हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. नीडल्स N1, N2 एंड N3 आर मेड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक, अ पैरामैग्नेटिक एंड अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली. अ मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोज टू देम विल. तो बच्चों, गिवन है हमें N1 जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी हुई एक नीडल है. N2 इज मेड अप ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड N3 इज मेड अप ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. और हमें बताना है कि जब हम ये तीनों नीडल्स के क्लोज एक मैग्नेट लाएंगे तो इनका बिहेवियर क्या होगा. तो बच्चों, एज वी नो, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो किसी भी मैग्नेट से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं. ये बात का ध्यान रखना है. जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेट, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो वीकली रिपल होते हैं मैग्नेट्स. तो जब हम ये तीनों प्रॉपर्टीज को ऑप्शंस में मैच करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो N1 है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, N2 वीकली अट्रैक्ट होगा और N3 वीकली रिपल होगा. सो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी. थैंक यू.